हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे साथ साथ में. तो मैं जैसे जैसे एनिमल किंगडम कर पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, आप साथ में पढ़ते जाएं, ठीक है? और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें. तो मैंने आज जो है तीन फाइलम के फिर से बना दिए हैं नोट्स. तो आप देखिए कि फाइलम सिलेंट्रेट जो है, तो इसमें कैसे कैसे आपको नोट्स बनाना है. जैसे कि आपको जानना है कि ये एक्वेटिक है और मोस्टली मराइन होता है. फिर और भी एग्जांपल्स है जो फ्रेश वाटर वगैरह हैं, तो उसके एग्जांपल्स अगर आपको याद करने तो आप कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप उतना रिटेन नहीं कर पा रहे, तो बस स्टिक टू दिस ओनली. सो दो जो मैं चीज़ें कलर डिफरेंट कलर से लिखती हूँ ना, तो इसका मतलब ये कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जैसे मैंने ये कलर चेंज करके लिखा है कि ये सेसाइल है और फ्री स्विमिंग दोनों होता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है? फिर जैसे ये मैंने लिखा है रेडियल सिमेट्री. तो आप ये देखो कि मैंने जब आपको फर्स्ट वीडियो में एक रेडियल सिमेट्री लिख के सारे फाइलम के नाम लिखे थे, तो आपको उस वहीं पर याद कर लेना है उसको. तो फिर आपको एक ये पॉइंट यहाँ पर कम हो जाएगा, है कि नहीं? फिर जब मैंने ऑरेंज कलर में लिखा है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो ऐसे उठ के डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं उस पर, ठीक है? तो आपको उसका यूज़ भी पूछ लेंगे कि ये तीन यूज़ मैंने लिखे हैं ना, तो आपको चार ऑप्शन रहेंगे जिसमें एक उसका यूज़ नहीं होगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं. तो आप ये तीनों चीज़ याद रखना कि इनके यूज़ क्या होते हैं. फिर ये जैसे टिश्यू लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सब तो मैंने शुरू में ही आपको बताया. अगर वहाँ पे आपको याद रहेगा तो ये सब पॉइंट्स आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. तो आपके ये जो नोट्स जो इतना एक एक कॉलम में है, तो ये और छोटा हो जाएगा. फिर आपको जैसे ये जो पॉइंट है ना ऑरेंज में, ये पिंक में, वो ग्रीन में, ये सारे पॉइंट्स जो हैं जो आपको एकदम याद होने चाहिए, ठीक है? फिर जैसे मैंने ये इस ऑरेंज बॉक्स में लिख दिया कि डाइजेशन इसका एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों होता है, क्योंकि इसमें आप जब फाइलम टिनोफोरा पढ़ोगे तो वहाँ पे भी वही है. फिर आप यहाँ पे जब पढ़ोगे ना दूसरे और सब फाइलम, तो सब में वैसा सेम नहीं, तो आपको इस टाइप से कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है? फिर जैसे मैंने ब्लैक में लिखा है कि कुछ कोरल्स जो होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिबिट करते हैं, तो जैसे एम्स वगैरह के एग्जाम में पूछ लेते हैं, कि एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, लेकिन आप इतना मत ही दिमाग लगाइए. आप बस एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं तो बहुत है, ठीक है? मतलब अगर आप एक्चुअली लाइक 100% पढ़ रहे हैं तो, ठीक है? फिर आपको ये सब ऐसे ऐसे पॉइंट बनाना है कि दो फॉर्म्स होते हैं बॉडी के, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा. तो आपको ऐसे ना इमेजिन करके पढ़ना, ठीक है, कि पॉलिप्स है तो ठीक है सेसाइल होगा, मेड्यूसा है तो ठीक है वो फ्री स्विमिंग है. तो ऐसे यार सोच सोच के ऐसे पढ़ना कि कैसा होगा, मतलब कैसा स्ट्रक्चर होगा. तो आप जैसे फिगर भी देखोगे ना एनसीईआरटी में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? फिर पॉलिप्स के एग्जांपल ज़रूर याद कर लेना, ठीक है? फिर जैसे हाइड्रा एडेमशिया है, तो एडेमशिया का कॉमन नेम क्या है? सी एनिमोन. तो ये पता है कॉमन नेम से भी आ जाते हैं, एडेमशिया नहीं लिखा होगा, सी एनिमोन लिखा होगा, ठीक है? फिर जेलीफिश हो गया, फिर जैसे उसका नाम ओरेलिया है. तो और आपको ये देखना है कि मेटाजेनेसिस कौन शो करता है. मेटाजेनेसिस का मतलब ये है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है इसमें स्पीशीज इस वाले फाइलम में जो दोनों मतलब बॉडी फॉर्म शो करते हैं. तो उसका भी एक एग्जांपल है ओबिलिया, जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? बाकी फिर ये चार एग्जांपल अलग से हैं जिसके कॉमन नेम्स हैं, ठीक है? तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में आपके साथ क्या करेंगे कि कॉमन नेम दे देंगे और फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है? और भी लाइकवाइज इस टाइप से आपको ट्रिक कर देंगे क्वेश्चन. तो आप ये देख सकते हो कि आपको कितने तरीके से आपके साथ ट्रिक किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से ही होते हैं, ठीक है? आपको लगेगा भाई ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, यहीं से होता है क्वेश्चन. तो मैंने आपको बस ऐसे देख लो, आप ऐसे निमोनिक्स बना सकते हो. तो मैंने तो आई एम नॉट सो गुड ऑन मेकिंग निमोनिक्स, बट स्टिल आई मेड सम लाइक पागा पामा झास वॉट एवर. आप सिंग मतलब गा सकते हो इसको इस टाइप से, ऐसे सरगम जैसा लग रहा है. तो आप अपने मन से भी कुछ भी बना सकते हो, या फिर इतना भी क्या याद ही कर लो उससे अच्छा. या फिर अगर आप इसको ऐसे पागा पामा झा बोलोगे तो आपको ऐसे ही याद हो रहा है, कितना फ्लो में निकल रहा है, ठीक है? तो ट्राई इट, ठीक है? फिर उसी टाइप से हम टिनोफोरा पे आते हैं. तो आप ये देखो उसमें एक ही फोटो बना रखी है टिनोफोरा में, एनसीईआरटी में, जो कि आपको ऐसे ही दिख रहा है कि इसमें रेडियल सिमेट्री है, फिर इसमें जो है कि क्या कहते हैं एट कॉम्प्लेट्स हैं, ठीक है? तो आप ऐसे गिनोगे तो उसमें आठ ही बने हैं, ठीक है? तो आपको दो पॉइंट तो यहीं पे फोटो देख के याद हो गई. तो इसको कॉम जेली बोलते हैं, जेली जैसा दिख रहा है कॉम, ऐसे याद करोगे ना देख देख के. जैसे वॉलनट नाम है इसका, सी वॉलनट, तो आपको दिख भी रहा है कि ऐसे गोल गोल वॉलनट जैसा दिख रहा है. तो ऐसे देख देख के फोटो वोटो देख के याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होता है. फिर आप देखो मैंने मराइन को लिखा है बड़े बड़े में, क्योंकि ये सिर्फ मराइन होता है, एक्सक्लूसिवली मराइन जो है लिखा है उसमें. और कॉम्प्लेट्स का यूज़ क्या होता है, लोकोमोशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए. फिर इसका जैसे मैंने ग्रीन में लिखा है कि बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच एमिट्स लाइट, ठीक है? तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो पूछ सकते हैं, ठीक है?
उसके बाद फिर इसमें है कि ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, ठीक है आप याद कर लो, बट उतना भी मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है, बट आप याद कर लो क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, तो एनसीईआरटी की लाइन है तो इंपॉर्टेंट ही है। फिर ये सब मैंने ब्लू ब्लू में लिख दिया है, तो ये सो फर्टिलाइजेशन कौन एक्सटर्नल कौन इंटरनल शो करता है, ये आपको सेपरेटली याद कर लोगे तो आपके पॉइंट और कम हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके दो ही एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना। तो आप यहाँ पे देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये प्लूरोब्रैकिया, तो आप ये फिगर अगर आपको याद रहेगा तो एक एग्जाम्पल तो आपको वैसे ही याद हो गया, और ये टीनोफोरा नाम ही है फाइलम का, तो ये टीनोप्लेना तो क्या ही याद करने में प्रॉब्लम है कि नहीं। तो दो एग्जाम्पल आपको याद करना ही करना है, ठीक है। जो जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है आपको करना ही करना है, मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि रोज फोटो देखें एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी के फोटो आ जाते हैं, एनसीईआरटी के फोटो से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फाइलम प्लैटीहेल्मिंथ्स है जो कि फ्लैट फॉर्म बोलते हैं, यहीं पे लिख लो कि फ्लैट फॉर्म बोलते हैं, तो ऑब्वियसली फ्लैट बॉडी होती होगी, ठीक है। फिर प्लैटीहेल्मिंथ्स जो होते हैं एंडो पैरासाइट होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं ह्यूमंस में भी होते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे हायर लेवल में, जैसे आपके कोचिंग के नोट्स में बताया भी होगा कि ये जो फैशियोला टीनिया का लाइफ साइकिल भी बताया होगा, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है तो आप उसको एक बार जाके देख लेना, उसमें कुछ लार्वा के नाम भी दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है आप रिटेन कर सकते हो तो पढ़ लेना, और मैं तो बोलूँगी एक बार देख ही लेना, ठीक है। फिर ये सब सारे पॉइंट्स हैं, जैसे इसका इसमें हुक्स और सकर्स होते हैं, जो पैरासाइटिक फॉर्म होता है उसमें होते हैं, तो इसका काम क्या एडिशन होता है, सकर्स का काम न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हुक किस लिए यूज़ होगा, एडिशन के लिए यूज़ होगा है कि नहीं, सकर्स होगा कि न्यूट्रिएंट्स के लिए होगा, ठीक है। अब इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो चीज़ इसमें सिर्फ है, जो फ्लेम सेल्स है, जो कि एज अ किडनी लाइक फंक्शन होता है, ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन, हमारे बॉडी में भी किडनी का यही फंक्शन होता है, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। फिर इसमें है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, तो ये फैशियोला में बेसिकली देखा गया, आप लाइफ साइकिल देखोगे तो आपको समझ में आएगा, टीनिया में जब समझ में आएगा कि ग्रेविट्स मतलब वो छोड़ते हैं, तो उसके थ्रू जो होता है रिप्रोडक्शन होता है। फिर और हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्लेनेरिया होता है ये बहुत ही ज़्यादा रीजनरेटिव कैपेसिटी शो करता है, इस पर मैंने कई क्वेश्चंस ऐसे मैं जब प्रैक्टिस करती थी तो मैं देखती थी, तो ये आप देख लो एक सिंपल सा पॉइंट है और कैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे मतलब एक सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि आप ना साथ साथ में बुक ज़रूर पढ़ें, अगर आप सच में आप रेगुलर रहोगे ना, मैं रोज़ ही एक चैप्टर पढ़ा दूंगी, ठीक है। और आप सोचो अगर आप मतलब जितने दिन जितने चैप्टर उतने दिन में आपका पूरा बायो रिवाइज हो रहा है, आपको सही तरीका पढ़ने का समझ में आ रहा है, देन दिस इज़ लाइक मोर देन इनफ है कि नहीं। सो आप भी मेहनत करो, मैं भी आपके साथ आपको हेल्प करती हूँ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।